नमस्कार दोस्तों, लाइफ साइंस ट्रैवल एंड फूड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे होममेड पीनट बटर की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी है। और ये प्लेन पीनट बटर है, जिसे बहुत ही आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मूंगफली या फिर पीनट्स, फिर हम इसे कास्ट आयरन के बर्तन में रोस्ट करेंगे। हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसके छिलके अलग ना होने लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ और हल्का हल्का इसका छिलका भी निकल रहा है। तो बस हम इसे किसी स्टील के बर्तन में ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसके छिलके निकालेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका छिलका निकाल के ले लिया है। अब हम इसे किसी ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड करेंगे या फिर पीसेंगे। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको इसे पीसना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके इसे पीसना है। ये मैंने पहली बार पीस के लिया है, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। इसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके हम और 30 सेकेंड्स के लिए इसे पीसेंगे। अभी भी थोड़ा थिक लग रहा है, थोड़ा ब्रेक लेंगे और एक बार इसे ग्राइंड करेंगे। पेशेंस के साथ करना है और अपने ग्राइंडर या मिक्सर को थोड़ा ठंडा होने देना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। कंटिन्यूसली मत करिए। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, और भी थोड़ा ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर मिलाएंगे। 1 टीस्पून मैंने जैगरी पाउडर इसमें मिलाया हुआ है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी भी मिला सकते हो या फिर ऑयल भी डाल सकते हो। अगर आप चाहे तो इसमें हनी भी डाल सकते हो। बस हम इसे एक आखिरी बार ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी बन के तैयार हो चुका है। आप इसे स्मूदीज में डाल के खा सकते हो, एज अ डिप खा सकते हो, या फिर ब्रेड के तौर पे भी इसे खा सकते हो। अब आप जब बाजार से पीनट बटर खरीद के लाते हो तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं। इसमें स्टेबलाइजर के तौर पे मोनो और डाइग्लाइसराइड्स होते हैं, जो इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। उससे वेट गेन हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। फिर उसमें शुगर कंटेंट होता है, सॉल्ट होता है। तो आप डेयरी वाले मिल्क के साथ सॉल्ट वाला पीनट बटर यूज नहीं कर सकते। तो बेटर ऑप्शन है आप अपना अनसॉल्टेड, बिल्कुल भी प्लेन पीनट बटर घर पे बनाओ। अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जानते हैं। 1 सर्विंग या फिर 2 टेबलस्पून पीनट बटर में होते हैं 132 कैलोरी। कार्ब्स होते हैं 4 ग्राम्स, और जो बहुत ही हेल्दी होते हैं फाइबर्स के साथ होते हैं। प्रोटीन कंटेंट होता है 6.7 ग्राम्स और फैट होता है 10 ग्राम, जो बहुत ही हेल्दी फैट है। आप इसे आराम से अपने रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हो या फिर हफ्ते में 1-2 बार इसे कंज्यूम कर सकते हो। इसे किसी ड्राई ग्लास कंटेनर में आप ट्रांसफर करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो। तो आज के लिए फ्रेंड्स हम यहीं पे रुकेंगे, और ऐसे ही हेल्दी रेसिपीज हम लाते रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल लाइफ साइंस ट्रैवल एंड फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।